हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने एसआर विथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो छात्र छात्राएं बीए सेकेंड ईयर में समाज शास्त्र ले रखे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं टोटल आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन और आंसर लास्ट तक देख लेते हैं तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि परंपरावादी समूहों में सामाजिक परिवर्तन अन्य समूहों की तुलना में होते हैं तो क्या होते हैं? ऑप्शन ए है देर से, एंड ऑप्शन बी है जल्दी, एंड ऑप्शन सी है ना देर से ना ही जल्दी, एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देर से। परंपरावादी समूहों में सामाजिक परिवर्तन अन्य समूहों के तुलना में होते हैं देर से, यानी कि जो तुलनाएं समूहों की होती हैं वो देर से होती हैं। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि समाज के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि समाज के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है सांस्कृतिक परिवर्तन, एंड ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन, एंड ऑप्शन सी है आर्थिक परिवर्तन, एंड ऑप्शन डी है प्रौद्योगिक परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, कि समाज के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है? कि इन चार ऑप्शन में से कौन सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है? गाइस आपका पहला ऑप्शन है कि युवा वर्ग, एंड ऑप्शन बी है शिक्षित वर्ग, एंड ऑप्शन सी है स्वार्थ समूह, एंड ऑप्शन डी है आपका राजनीतिक समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि स्वार्थ समूह जो है वह सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, एंड ऑप्शन बी है समानता एवं संदुग्ध, एंड ऑप्शन सी है न्याय, एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य जो है वह है स्वतंत्रता। तो क्या चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है राज्य, एंड ऑप्शन बी है सरकार, एंड ऑप्शन सी है कानून, एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी उपर्युक्त सभी, यानी कि राज्य भी है सरकार भी है एंड कानून भी है। ओके तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? कि मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन सी है चार, ऑप्शन डी है पाँच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन प्रतिमानों का उल्लेख किया है। ओके तो क्या चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह परिभाषा किसने कही है या फिर किसकी है? तो आपके ऑप्शन ए है गिलिन एवं गिलिन, एंड ऑप्शन बी है ब्रूम एवं सेल्जनिक, एंड ऑप्शन सी है मैकाइवर एवं पेज, एंड ऑप्शन डी है जॉनसन। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इनके आंसर पता हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह परिभाषा जो है वो मैकाइवर एवं पेज ने दी है। ओके तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसकी भूमिका होती है? आपके ऑप्शन ए है वितरण की, एंड ऑप्शन बी है उत्पादन की, एंड ऑप्शन सी है उपभोग की, एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी का, यानी कि वितरण का भी, उत्पादन का भी, उपयोग का भी, कि सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वितरण की, उत्पादन की, उपयोग की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी की। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामटे ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीन बताए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन ए है बोडोमोर ने,
एंड ऑप्शन बी है जैनसन ने, एंड ऑप्शन सी है रेमंड एरन ने, एंड ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन में मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। तो यह कथन जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि किंग्सले डेविस ने कही है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है, यानी कि निम्नांकित में से जो चार ऑप्शन है इनमें से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए है सामाजिक प्रकृति, एंड ऑप्शन बी है गति तुलनात्मक एवं असमान, एंड ऑप्शन सी है जटिल तथ्य, एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों है। निम्नांकित में से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता या तीनों है। ओके, सामाजिक प्रकृति एवं गति तुलनात्मक एवं असमान, एंड ऑप्शन डी सी जटिल तथ्य। ओके, सो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोरोकिन के संस्कृत का स्वरूप नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि इंद्रिय परक, एंड ऑप्शन बी है परिभ्रमण, एंड ऑप्शन सी है आदर्शात्मक, एंड ऑप्शन डी है विचारात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिभ्रमण। निम्नलिखित में से सोरोकिन के संस्कृत का स्वरूप नहीं है, वो है परिभ्रमण। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रमुख प्रतिमानों की व्याख्या दी है। तो आपका ऑप्शन ए है मेकाइवर एवं पेज, एंड ऑप्शन बी है बोटोमोर, एंड ऑप्शन सी है जॉनसन, एंड ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मेकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रमुख प्रतिमानों की व्याख्या दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेकाइवर एवं पेज। ओके, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है उद्विकास, एंड ऑप्शन बी है प्रकृति, एंड ऑप्शन सी है विकास, एंड ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धा। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। तो आपका ऑप्शन ए है बृहत्तर नगरों में, एंड ऑप्शन बी है ग्रामीण समाजों में, एंड ऑप्शन सी है जनजातियों में, एंड ऑप्शन डी है छोटे समुदायों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रामीण समाजों में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। तो क्या समाहित है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरचना में परिवर्तन, एंड ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, एंड ऑप्शन सी सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, एंड सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, एंड सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है और वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि संस्कृति में कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है भौतिकवादी संस्कृति, एंड ऑप्शन बी है भौतिकवादी एवं अभौतिकवादी संस्कृति, एंड ऑप्शन सी है कि अभौतिकवादी संस्कृति। तो आपका ऑप्शन डी है भौतिकवादी अभौतिकवादी एवं सामाजिक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है कि संस्कृति में कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौतिकवादी एवं अभौतिकवादी संस्कृति। ओके, और अगर आप और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और हम ऐसे ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको वीडियो मिस ना हो और आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।